इंस्टिगेट करना फॉर पॉजिटिव वर्क नॉट फॉर निगेटिव. किसी मुस्बत अमल के लिए, पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, पॉजिटिव एक्शन के लिए किसी इंडिविजुअल को तैयार करना और अंदर से तैयार करना ताकि वो उस अमाल पर आमादा हो सके, वो बेसिकली क्या है, मोटिवेशन. अगर वो आमादा हो गया तो बाकी सारे अमल जो बच्चों को, लर्नर्स को, किसी काम करने वाले को मोटिवेट करने के लिए करते हैं, वो सारा का सारा बेसिकली प्रोसेस ऑफ गेटिंग समबडी मोटिवेटेड है. अब देखिए, मोटिवेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव एंड अचीविंग द आउटकम्स ऑफ लर्निंग. टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए टीचर के लिए चाहिए कि टीचर भी मोटिवेटेड हो. जब तक टीचर खुद मोटिवेटेड नहीं होगा उस वक्त तक वो अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, तैयारियां नहीं करेगा, लेसन डेवलप नहीं करेगा प्रॉपरली, लेसन डिजाइन नहीं करेगा, बच्चों के बारे में फिक्रमंद नहीं होगा, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से सिखाना है, हमारा मेथड क्या होगा, उसके बारे में फिक्रमंद नहीं होगा. इसलिए टीचर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो खुद ही मोटिवेटेड हो कि अपनी क्लास को किस तरीके से वो बेहतर से बेहतर तरीके से मौसर अंदाज में बच्चों को पढ़ा सके. और जितना टीचर के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी किसके लिए है, लर्नर के लिए है, कि लर्नर भी तैयार रहे, मोटिवेटेड रहे, उसके अंदर भी एक हैजान पैदा हो, उसके अंदर भी एक क्या हो, हरकत पैदा हो कि वो उससे कुछ ना कुछ लर्न करना है, कुछ ना कुछ सीखना है, जो कुछ उसे सिखाया जा रहा है बहुत ज़रूरी है. जब तक ये नहीं होगा तब तक बच्चा लर्न नहीं कर सकता है. इसलिए है पीपल कैन नॉट लर्न विदाउट हैविंग प्रॉपर लेवल ऑफ मोटिवेशन. जब तक लोगों के अंदर एक सतह की डिजायर्ड लेवल, ऐसा नहीं मोटिवेशन का तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं. कुछ लोग बहुत अदना दर्जे का मोटिवेशन रखते हैं और कुछ लोग आला दर्जे का मोटिवेशन रखते हैं. अलग अलग काम को करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए अलग अलग सतह की मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है. तो वो ज़रूरी है कि प्रॉपर लेवल होना चाहिए मोटिवेशन का. कहते हैं मोटिवेशन लीड्स टू सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ वर्क प्रोवाइडेड वी हैव हिडन एबिलिटीज फॉर दैट. किसी भी मैदान में कामयाबी के लिए मोटिवेशन तो शर्त है, लेकिन उसके साथ एक और शर्त यह है कि जिस मैदान में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, उस मैदान में कुछ करने के लिए आपकी शख्सियत के अंदर कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, कुछ सलाहियतें भी मौजूद होनी चाहिए. अगर सलाहियत बिल्कुल नहीं है और सिर्फ मोटिवेशन है तब भी बहुत मुश्किल है. कुछ जरूरी जी हिडन टैलेंट जरूरी है उस फील्ड में काम करने के लिए. जिसको कहते हैं एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए, है ना, आपके अंदर एक कुछ महारतें होनी चाहिए उस किसी भी पर्टिकुलर मैदान में आगे बढ़ने के लिए. वो अगर चीज़ें आपके अंदर हैं और साथ साथ मोटिवेशन भी है तब बहुत आगे जा सकते हैं. सिर्फ मोटिवेशन है सारा काम नहीं चलेगा, है कि नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है. अब देखिए कुछ डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. सबसे पहली डेफिनेशन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सीवी गुड की डेफिनेशन है. मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी. तीन देखिए तीन चीजें यहाँ है. एक चीज तो है अराउजिंग, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे के किरदार को, बच्चे के बिहेवियर को, है ना, क्या किया जाता है, हरकत दी जाती है, अराउज किया जाता है किसी भी काम के लिए, किसी भी अमल के लिए, किसी भी एक्शन के लिए उसके किरदार में एक हैजान पैदा किया जाता है, उसको जगाया जाता है, उसके अंदर हरकत पजीरी पैदा की जाती है, उसके अंदर हैजान पैदा किया जाता है. अराउजल ऑफ बिहेवियर है काम करने के लिए तैयार होना, आमादा होना, पहली बुनियादी चीज है. दूसरी चीज है सस्टेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों एस्पेक्ट है मोटिवेशन के जो बहुत जरूरी है. सस्टेनिंग, अराउजिंग, सस्टेनिंग, यानी कि जो हरकत पजीरी पैदा हुई है, जो हैजान पैदा हुआ है ना किसी काम को करने के लिए. ऐसा नहीं है कि मंडे के दिन तो आपके अंदर बहुत हाईली मोटिवेटेड हो गए और ट्यूजडे के दिन फिर आपका मोटिवेशन क्या हो गया, डाउन हो गया. नहीं, आमतौर पर देखते हो कि जुमा के दिन आदमी कोशिश करता है कि आज से नमाज शुरू करते हैं, जुमा का दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत बेहतर दिन है, दिनों का सरदार कहा गया है इसको, आज नमाज शुरू करते हैं, आज के जुमा के बाद जो है ना पांच वक्त की नमाज जारी रखेंगे, मुस्तकिल रखेंगे. अब वो जुमा को शुरू होता है, ये हम लोग के साथ भी हुआ है, बचपन में खूब हुआ है. जुमा को शुरू किया, शनिचर तक गया, इतवार तक गया, सोमवार आते आते फिर नमाज खत्म. इसका मतलब है कि अराउजल ऑफ तो था मोटिवेशन में नमाज को कायम करने के लिए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, बरकरार नहीं कर पाया.
बच्चे कभी कभी क्या होते हैं कि आपने टीचर ने बात किया, पेरेंट ने बात की, दो दिन चार दिन अराउजल ऑफ मोटिवेशन होता है, दो चार दिन खूब मेहनत करते हैं और बाद में फिर क्या होता है, उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो अगर मोटिवेशन डाउन हो गया तो एक लेवल आपने कंप्लीट किया, अराउजल ऑफ मोटिवेशन सस्टेन नहीं कर पाया। तो मोटिवेशन तभी मुकम्मल होगा जब अराउजल ऑफ बिहेवियर हो और फिर क्या उसको आप सस्टेन कर सकें। कोई क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई टीचर है, कोई लर्नर है, कोई बिजनेसमैन है, जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, बुनियादी शर्त अराउजल होना चाहिए आपका, और दूसरा कि उसको सस्टेन करना भी जरूरी है। और तीसरी अहम बात जो इस सीरीज ग्रुप में कही है वो रेगुलेटिंग बिहेवियर, रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग तीन चीज। कभी कभी देखा होगा कि आपने मेडिकल की तैयारी को बच्चा कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मेडिकल की तैयारी या मतलब नीट की तैयारी कर रहा है या IIT की तैयारी कर रहा है और हाईली मोटिवेटेड है, अराउजल भी है, बहुत ज्यादा हैजान है उसके अंदर, बहुत ज्यादा हरकत उसके अंदर है, हाई लेवल का मोटिवेशन है, वो IIT को क्रैक करना चाहता है, नीट को क्रैक करना चाहता है, खूब मेहनत कर रहा है और लगातार पिछले चार महीने से मेहनत कर रहा है, पांच महीने से मेहनत कर रहा है, जबकि उसका एग्जाम अभी एक साल या दो साल दूर है, यानी को मुमकिन है कि 11 से शुरू कर दिया या 10 से शुरू कर दिया, खूब मेहनत कर रहा है, सस्टेन भी है उसके अंदर, सस्टेनेंस भी है। लेकिन तीसरी चीज बहुत जरूरी है, रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है, कि अगर किसी भी चीज की ज्यादती जो होती है वो मसले पैदा करती है, किसी भी चीज की ज्यादती। आप 24 घंटे में से अगर 20 घंटा पढ़ने लगोगे तो ज्यादा दिन तक पढ़ नहीं पाओगे, दूसरे मसले सामने आ जाएंगे। एक तो ये कि कंट्रोल वे में होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। दूसरा ये कि आप अगर नीट क्रैक करना चाहते हो, IIT क्रैक करना चाहते हो, सिविल सर्विस क्रैक करना चाहते हो, तो पढ़ना क्या है ये जरूरी है, ये नहीं कि आंख बंद करके पढ़ते चले जा रहे हैं। NCERT की जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ना जरूरी है सिविल सर्विस को क्रैक करने के लिए, लेकिन NCERT को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं आप। आप रोमिला थापर पर डिपेंड कर गए आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए, विपिन चंद पर आपने मुनहसर कर लिया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और NCERT की जो बेसिक्स किताबें हैं जिसको हर सिविल सर्विस का अच्छा तैयारी करने वाला पढ़ता है उसको अगर आपने छोड़ दिया तो वो भी प्रॉब्लम है। तो रेगुलेशन का मतलब है कि इस तरीके से आपकी अराउजल को और सस्टेनेंस को बरकरार रखना है, लेकिन उसको रेगुलेट भी करना है, कंट्रोल भी करना है, ताकि ये मेहनत आपकी और ये जो मोटिवेशन है आपका लंबे वक्त चलता रहे जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाए। तो डायरेक्शन भी सही होना चाहिए, डायरेक्शन भी सही होना चाहिए और स्पीड भी ठीक होनी चाहिए, आप पूरी तरह से गर्क नहीं हो जाना है। तो इसमें टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पेरेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। जरूरी है थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, 22 घंटा 20 घंटा 18 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन आप आधा घंटा भी मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकाल रहे हैं, आधा घंटा भी कुछ खेलने के लिए नहीं निकाल रहे हैं, आधा घंटा कम्युनिटी के लिए नहीं निकाल रहे हैं, रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए नहीं निकाल रहे हैं। ये जो रिश्तेदारों से मुलाकात करना, कुछ गेम खेलना, इंटरटेनमेंट जो है ये आपकी एनर्जी को क्या करता है, इन्हेंस करता है, आपको सेंसिटाइज करता है और आपके अंदर जो है एक नयापन, एक इनोवेशन लाता है, ताकि आप फिर से उस काम को अच्छे तरीके से शुरू कर सकें। इसलिए मोटिवेशन तभी मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा, जब ये तीनों खासियतें मौजूद हो, ऑल दीज थ्री यू नो क्वालिटीज आर अवेलेबल इन द पर्सन, इन द इंडिविजुअल हु इज मोटिवेटेड। सो वी मस्ट हैव अराउजल ऑफ बिहेवियर, वी मस्ट हैव सस्टेनेंस ऑफ बिहेवियर एंड वी मस्ट हैव रेगुलेशन ऑफ आवर बिहेवियर, ओनली देन वी कैन से दैट वी एज अ टीचर और आवर लर्नर्स आर वेल मोटिवेटेड। इनमें से अगर एक भी एब्सेंट है वो मोटिवेशन इसका मतलब मुकम्मल नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये लॉवेल की डेफिनेशन है, मोटिवेशन इज डिफाइंड मोर फॉर्मली एज ए साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय सम नीड्स विच लीड्स टू एक्टिविटी विच विल सेटिस्फाई दैट नीड। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, जरूरत से होती है। इंसान, कोई बच्चा, कोई लर्नर, कोई इंडिविजुअल तभी मोटिवेटेड होगा किसी भी काम की जाने जब उसकी ज़रूरत का उसको एहसास होगा। इसलिए बच्चों को भी ज़रूरत का एहसास कराना ज़रूरी है, ज़रूरत का एहसास बहुत ज़रूरी है ना। ज़रूरत का एहसास कराएं, ज़रूरत जब आपके अंदर सामने आती है तो उस ज़रूरत को मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए, नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप एक्शन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नीड फिल कराएं। उसी तरह से देखिए, H.W. बर्नार्ड ने कहा, मोटिवेशन इज द स्टिमुलेशन ऑफ एक्शंस। जो हरकत है उसको क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, उसके अंदर मुहैयत पैदा करना है ना।
towards a particular objective, कोई मखसूस मकसद की तरफ उसके अंदर हरकत पजीरी पैदा करना है, where previously there was little or no attraction to that goal. किसी मकसद को हासिल करने के लिए पहले हरकत पजीरी नहीं थी, पहले कोई मुहैज नहीं था, उस जानी मुहैज पैदा कर देने का नाम क्या है? मोटिवेशन. एटकिंसन की डेफिनेशन है, द टर्म मोटिवेशन रेफर्स टू द अराउजल ऑफ टेंडेंसी, ये बात आ गई सेम थी, अराउजल ऑफ टेंडेंसी टू एक्ट टू प्रोड्यूस वन और मोर इफेक्ट. बहुत क्लियर है, एकदम क्लियर. इसी तरह से देखिए, अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन का फंक्शन क्या है? मोटिवेशन का फंक्शन क्या है, मतलब क्या करता है काम? ये चार पांच पॉइंट्स हैं. सबसे पहली बात, तीन बात तो ये आ चुकी है कि मोटिवेशन जो है, जो हद तक पसीरी है, जो हजानी कैफियत है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी भी मकान में कामयाब होने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, उसके लिए जो मोटिवेशन इंसान के अंदर होता है, तो ये पाँच काम बड़े इंपॉर्टेंट है जो अपने आप करता है. अराउजल और इनहेंसिंग बिहेवियर, आपके बर्ताव में अराउजल पैदा होता है, हैजान पैदा होता है, फिर वो आपकी आपके बर्ताव में तब्दीली आती है जो आपको सरगर्म की तरफ ले जाती है और आपको इंकरेज करती है. आपके अंदर क्या करती है? इंकरेजमेंट पैदा करता है, ठीक है, जज्बात को आपकी उभारता है, नहीं ताकि आपको काम करें. सस्टेनिंग बिहेवियर, आपके बर्ताव को क्या करता है? बरकरार रखता है मोटिवेशन. तीसरी चीज क्या है? एक्सेलरेटिंग बिहेवियर, जहां जहां आपके रफ्तार कम होती है वहां मोटिवेशन रफ्तार क्या करता है? बढ़ाता है. जब भी आपकी रफ्तार कम हो जाएगी, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, टीचर मोटिवेशन आपको दिलाता है, पेरेंट दिलाते हैं, तो आपकी रफ्तार क्या होती है? ज्यादा होती है. तो टीचर को चाहिए, पेरेंट को चाहिए कि रफ्तार को देखता रहे, जब जब महसूस हो कि उसकी रफ्तार में कमी आ रही है, मोटिवेशन में कमी आ रही है, तब तब उसको क्या एनेक्डोट देते रहिए ताकि मोटिवेशन उसका बरकरार है. देन कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग बिहेवियर, जो हमने यहाँ बात की, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. और आखिरी डायरेक्टिंग बिहेवियर, जो मैंने वहाँ भी इसी जगह मैंने बात की थी कि डायरेक्शन भी देना. आप ऐसा नहीं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सही नहज पे नहीं कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं. आप देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ते हैं, वो कामयाब नहीं हो रहा है, 12 घंटे पढ़ने वाला कामयाब हो जा रहा है. एक वजह तो जरूर है कि 12 घंटा पढ़ने वाला कितना ज्यादा टैलेंट होगा, ज्यादा आईक्यू होगा, लेकिन एक जरूरी बात यह भी है कि डायरेक्शन उसका सही होगा, वो वही चीज पढ़ रहा होगा, सही चीज पढ़ रहा होगा, सही तरीके से पढ़ रहा होगा. आप 18 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन वो चीज नहीं पढ़ रहे हैं, उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं जो चीज पढ़नी चाहिए और जिस तरीके से पढ़नी चाहिए, ये भी बड़ा फैक्टर होता है. ये सारे के सारे जो है फंक्शन ऑफ मोटिवेशन. अब सवाल है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. इसके लिए मुख्तलिफ टाइप ऑफ मोटिवेशन यहाँ पर इंट्रेंसिक मोटिवेशन और दूसरा क्या एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन. दो अहम किस्में हैं मोटिवेशन तहरीक के, दो किस्में. एक इंट्रेंसिक मोटिवेशन है, दाखिली तहरीक और दूसरा एक्सट्रेंसिक खारजी, जो बाहर बाहरी होता है. दो तरह का मोटिवेशन, बैरून या खारजी. ये इंटरनल का मतलब है कि जो इंडिविजुअल लर्नर जो है उसके अंदर से पैदा हो रहा हो, बाहर से नहीं आ रहा हो, बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से हो रहा हो. ये आमतौर पर ये क्या होता है? साइकोलॉजिकल होता है, नफ्सियाती इननेट है. बहुत सारी चीजें पैदाइशी होती है, जैसे खाना खाने के लिए मोटिवेशन होता ही नहीं होता जी. खाना खाने के लिए मोटिवेशन, पेट भरने के लिए मोटिवेशन, प्यास बुझाने के लिए पानी पीने का मोटिवेशन, जब क्या है ये इननेट है, ये पैदाइशी है. कोई सिखाता नहीं है कि पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी, नोबडी टीचर्स अस, कोई नहीं सिखाता. खाना खाओगे तो पेट तुम्हारा भर जाएगा, कोई सिखाता नहीं है. ये इननेट टाइप का मोटिवेशन है, हम माशरे के अंदर देखते हैं, लोग खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, है ना. फिजियोलॉजिकल बहुत सारे मोटिवेशन होते हैं. इल्मुल नफ्सियाती मतलब क्या है? इल्मुल फेलियाती बेसिकली. फिजियोलॉजिकल, बॉडी के अंदर बहुत सारे रेस्पायरेशन है, तनफ्फुस, अमले तनफ्फुस है, तो अगर आप सांस लेना रोक दोगे तो क्या होगा? बॉडी अंदर रिस्पॉन्स पैदा करेगा, आपका दम घुटेगा और आप सांस लेने के लिए बेकरार हो जाओगे, नहीं ठीक है, और फौरन सांस लेना शुरू करोगे आप. कोई अगर गला घोट रहा है आपका तो बड़ा मसला है, लेकिन अगर आप अपने आप अगर बात करके देख लो नाक को आप, तो आपको खुद ब खुद अपना हाथ हटाना पड़ेगा. ये भी मोटिवेशन टाइप का है, फिजियोलॉजिकल है. देन नेचुरल फितरी जो है ओवरऑल नेचुरल मोटिवेशन फितरी तरीके से. और ये एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है, टीचर का रोल यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन जो सोशल होता है और आर्टिफिशियल होता है. जैसे एक बच्चा जो है, हम अक्सर आपसे बात करते हैं क्लास में भी, कई क्लासेस में कई जगह रेफर करते हैं, एक बच्चा है जो होमवर्क करने को तैयार नहीं है और वो देखना चाहता है क्या
टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे क्या आते हैं उनके बच्चों को बाल भी कार्टून वगैरह आते हैं, वो उसका आदि हो गया है, अब वो होमवर्क नहीं करना चाहता है। मम्मी कहती है बेटा तुम अगर ये होमवर्क कर दोगे अगर तुम अभी एक घंटा में डेढ़ घंटा में, तो फिर तुमको फलाना कार्टून देखने का तुमको जा सकते, वरना तुमको देंगे नहीं अभी। तो अब वो होमवर्क करने लगता है, क्योंकि मम्मी अब कार्टून अपने हाथ ली हुई नहीं, तो अब वो होमवर्क पे लग गया, क्योंकि उसको देखना क्या है, कार्टून देखना है। तो होमवर्क इसलिए कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि मैडम को खुश करना है या मुझे ये होमवर्क मिला इसलिए करना है, बल्कि इसलिए कर रहा है कि जब होमवर्क कर लेंगे तो हमें वो रिमोट मिलेगा, हम अपना कार्टून देखेंगे अपने पसंद का। तो ये फिलहाल क्या है, एक्सटेंसिव मोटिवेशन है, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे जब वो बार बार होमवर्क करना शुरू करेगा और उसकी मैडम का उसके टीचर का इंकरेजमेंट मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंटेंसिव मोटिवेशन। ठीक है, इसलिए टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मोटिवेशन पैदा करे। जाहिर सी बात है पहले करेगा एक्सटेंशन, बाद में धीरे धीरे वो इंटेंसिव में कन्वर्ट। देखिए सोर्सेज और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन, कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासिर करते हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे पहला जो आपको डिफिनेशन भी आया था, एक नीड है, जरूरत जो है, नीड बहुत बुनियादी चीज है, जरूरत जब होती है तो आपके अंदर टेंशन पैदा होता है जरूरत को पूरा करने के लिए, और टेंशन आपको एक्शन पे डालता है, अमल पे डालता है, और अमल करते हैं अगर ठीक ठाक आप तो सेटिस्फेक्शन। एक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है हमेशा, इसलिए टेंशन जो है एक लेवल तक टेंशन बहुत पॉजिटिव है, लेकिन टेंशन जब बढ़ जाता है तो फिर एंग्जाइटी बन जाता है, तो हाँ तो फिर एंग्जाइटी बन जाएगा, तनाव पैदा होना, तो वो नहीं है, ये पॉजिटिव टेंशन है। किसी जरूरत को फुलफिल करने के लिए, जरूरत को पूरा करने के लिए आपके अंदर टेंशन। हमने एक किताब खरीदी है, किताब की कीमत 650 है, जो मेरे फादर के पास नहीं है, आप कैसे खरीदें, लेकिन वो किताब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो 650 रुपये का इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं है, छोटा बहुत टेंशन, ट्यूशन पढ़ाते हैं, इस महीने में ट्यूशन का पैसा आएगा, ठीक है, तो उसी में से बचा करके पहले किताब खरीदी है, आपने अरेंज कर लिया, ये मैनेजमेंट हो गया, आपका अपना मैनेजमेंट, अगर 50-60 रुपये बचेगा तो अपने दोस्त से ले लेंगे, अगले महीना ट्यूशन के बाद उसको दे देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, जब आप इत्मीनान हो जाता है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो ये आपको याद होगा, नीड्स हैव द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड नीड्स हैव नो एंड्स, जरूरत तो कभी खत्म नहीं होती, नहीं, नीड्स हैव नो एंड्स, एक जरूरत जब मुकम्मल होती है तो दूसरी जरूरत अपने आप सामने आगे खेल जाती है, इकोनॉमिक्स से। तो ये शायद हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। आप कभी कभी नाकाम भी होते हैं अपने एक्शंस में, जब नाकाम होते हैं तो अपने एक्शन पर दोबारा और फिर करते हैं और आप एक्शन को रिवाइज करते हैं, या फिर आप हिम्मत हार के उस चीज़ की जरूरत को आप भुला देते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं। देन दूसरा है ड्राइव, तो समझिए कि नीड क्या है, ड्राइव क्या है, और इंसेंटिव के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। नीड जिस चीज़ को पैदा करता है वो ड्राइव है, जैसे ड्राइव देखा ना, नीड क्रिएट्स ड्राइव, जैसे गजा क्या, इंसान की नीड है जी। और गजा क्या पैदा करती है, भूख पैदा करती है, अगर हम गजा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आपको भूख लगेगी, आप हंगर जो है ड्राइव है, ड्राइव नीड फूड, नीड है, बुनियादी जरूरत है हमारा, खाना गजा बुनियादी जरूरत है, ये हंगर को पैदा करती है, ये आपको भूख को पैदा करती है, अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, भूख लगेगी, भूख और खाना जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई, ये ड्राइव। इंसेंटिव्स आप देखोगे आजकल प्राइवेट कंपनी में इंसेंटिव देने का बड़ा रिवाज है, बहुत ज़्यादा, आपने टारगेट आपको मिला था कि इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 में आपको 10 करोड़ का बिजनेस पूरा करना है, और आपने अगर 10 करोड़ का बिजनेस पूरा कर लिया तो क्या मिलेगा आपको, इंसेंटिव मिलेगा, जो अगले साल के लिए मोटिवेशन होगा आपके लिए, कंपनी अच्छा इंसेंटिव दे रही है, और टारगेट क्या दे दिया, अगले साल 15 करोड़ का दे दिया, अब वो 15 करोड़ को भी अचीव करेंगे चूंकि इंसेंटिव मिला है, अब आपको पता है कि हमको इंसेंटिव अच्छा खासा मिलता है अगर हम टारगेट को अचीव करते हैं, तो ये इंसेंटिव ही मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। हम लोग भी देते हैं एजुकेशन में, बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, A+ ग्रेड, रीइंफोर्समेंट इंसेंटिव का काम करता है, बच्चा फर्दर बहुत मेहनत करता है, इंटरेस्ट दिलचस्पी है, ये अपना भी बहुत बड़ा अवामिल है, बहुत बड़ा फैक्टर है मोटिवेशन के लिए, एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, एक्सपेक्टेशन तवक्को, आप एज ए टीचर अगर अपनी क्लास के बच्चों से मुस्बत तवक्को रखेंगे, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो बच्चे भी आगे बढ़ के मेहनत करते हैं। अगर आपने मान लिया कि ये क्लास तो हमारी बेवकूफ़ की क्लास है, या मिस्टर एक्स जो हमारे क्लास का बच्चा है वो तो टफर है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, आप
बच्चे को पता चल गया है बात कि आप उसके बारे में ये सोच रखते हैं, तो अपना एफर्ट करना क्या करेगा, कम कर देगा, उसका मोटिवेशन कहाँ जाएगा, जमीन पे चला। इसलिए एक्सपेक्टेशन, एक तो टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चों के साथ, और एक बच्चों की एक्सपेक्टेशन अपने आप से भी जरूरी है। आई कैन डू दिस वर्क विच एवर इज बींग असाइन टू मी, जो काम हमें दिया गया है, हमारी हेड ने दिया है, हमारे प्रिंसिपल ने दिया है, हमारे पेरेंट ने दिया है, हम इस काम को कर सकते हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन अगर पॉजिटिव होती है, अपने आप आदमी क्या होता है, मोटिवेटेड होता है उस काम को अच्छा। जैसे ही काम मिला आपको, नहीं कोई होमवर्क मिला, कोई असाइनमेंट मिला, कोई ड्यूटी मिली, और आपने वैसे ही सोच लिया कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, जैसे ही आपने सोचा बहुत मुश्किल काम है, वैसे ही आपका मोटिवेशन क्या हो गया, हिम्मत आप हार गए। इसलिए एक्सपेक्टेशन को हमेशा पॉजिटिव रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आते हैं इंस्ट्रक्शनल एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर, ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में है कि कैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को, कैसे पढ़ाते हैं, और फिर पढ़ाने के बाद हम बच्चों का कैसे इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन और इंस्ट्रक्शनल जो प्रोसीजर है हमारा, वो अपने आप में एक मोटिवेशन पैदा करता है, अपने आप में एक मोटिवेशन पैदा करता है। मोटिवेटिंग होना चाहिए, पूरा ओवरऑल टीचिंग लर्निंग का एनवायरनमेंट ही मोटिवेटिंग होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ने में भी मजा आए, टीचर को सुनने में भी मजा आए, टीचर से बात करने में भी मोटिवेशन हो, और इम्तिहान देने का भी एक मोटिवेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इम्तिहान का नाम सुन के वो घबराहट पैदा हो, वो नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन बच्चे की होनी चाहिए, इस तरह का पूरा सिस्टम हमको डेवलप करने की जरूरत है। अब यहाँ देख रहे हैं आप हम टेक्निक्स फॉर इनहेंसिंग मोटिवेशन, बच्चों का मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक्स की बात है, कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला टेक्निक है, एक 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 कोड वर्ड है जिसे हम कहते हैं ARCS। क्या कहते हैं? ARCS। ARCS मॉडल ऑफ मोटिवेशन है, ARCS मॉडल ऑफ